हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट हिस्ट्री आई क्यू। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि समय दूरी और चाल का, ये पार्ट नंबर टू आज हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला वन जो पार्ट था वो शॉर्ट ट्रिक से हमने कवर किया था, शॉर्ट ट्रिक से हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड जितने टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आपको इन सबकी लेक्चर्स की पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, नीचे रेड बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जैसे पार्ट वन आपको अच्छा लगा तो आपने लाइक कमेंट शेयर किया था, तो इस पार्ट को भी आप करेंगे। देखिए, कुछ पाँच टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट वन में कराए थे, अब कुछ छः से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर छः देखिए क्या है। दो धावक समान दूरी को क्रमशः 15 एवं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। दोनों द्वारा तय की गई दूरी बताए यदि एक की अपेक्षा दूसरे को 16 मिनट अधिक अवधि का समय लगता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट वन में भी कराया था। इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक होती है। जो दो स्पीड दो चाल आपको दी गई है, एक धावक की 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 16 किलोमीटर प्रति, ऊपर उनकी गुणा कीजिए, नीचे उनका डिफरेंस लिखिए, उनका अंतर लिखिए, और उन दोनों के बीच में जो समय है, अवधि है, जैसे इसको 16 मिनट अधिक समय लगता है, उसको दूसरे को कुछ कम लगता है, या वो सही समय पर पहुंच रहा है, तो यहाँ 16, एक का तो बताया उन्होंने 16 मिनट का अधिक समय लगता है, दूसरे का कुछ नहीं बताया, दूसरे का कुछ नहीं लिखोगे, प्लस में 0 मान लेके चल लो, ठीक है। अगर दूसरे को बताया होता कि उसको 5 मिनट कम लगता है, 5 मिनट ज़्यादा लगता है, तो उसको यहाँ लिखते, ठीक है। 60 से डिवाइड इसलिए किया है कि ताकि हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर सकें। जब आप सोल्व करोगे तो 64 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गंतव्य की ओर रवाना होती है। यदि दूसरी कार को पहली कार की तुलना में 5 घंटा कम समय लगता है तो यात्रा में तय की गई दूरी बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले पार्ट में भी था। इसमें क्या होता है कि सिंपल सा, जब आपको एक साइड की दूरी निकालनी होती है, जैसे आप यहाँ से गए फिर यहाँ से वापस आए, और डिस्टेंस तो ये बराबर है ना, एक बार आप 45 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं, दूसरी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, लेकिन डिस्टेंस तो यही है। तो इस केस में x y अपॉन x प्लस y, इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये क्या है, स्पीड है दोनों की, ठीक है। और इन टू में क्या करते हो, अगर टाइम कर दूं मैं, स्पीड इन टू टाइम कर दूं तो मेरे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। यदि मैं चाल गुना समय कर दूं तो मेरे पास में दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने वही किया, 5 घंटे का समय दिया था, यहाँ पर गुणा कर दी, ये एक साइड की मैंने दूरी निकाल ली एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई से, और गुणा टी कर दिया। टाइम कितना था, 5 घंटे का दिया हुआ था, ठीक है। तो 900 किलोमीटर जो है वो दूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से, एवरेज स्पीड दी है, ठीक है, चले तो उसकी दूरी 40 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह किस चाल से चले ताकि 30 मिनट में पूरी हो जाए। देखिए, कोई व्यक्ति है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रहा है, तो उसको 40 मिनट लग रहे हैं अपनी दूरी तय करने में। उन्होंने बोला कि भाई किस चाल से चले, उसको 40 मिनट नहीं लगने चाहिए, उसको लगने चाहिए कितने, 30 मिनट। तो आप क्या करोगे, आपको स्पीड दी है 45, तो इन आप इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि ऊपर जितनी अभी उसको समय लग रहा है, अभी 40 मिनट लग रहा है, और जितना उसको लगना चाहिए, हम चाहते हैं कि इतना लगना चाहिए, उसको नीचे। तो जब आप करोगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको चलना चाहिए। यदि वह जिस डिस्टेंस को, जिस दूरी को 40 मिनट में तय कर रहा है, उसी समान दूरी को वह 30 मिनट में तय करना चाह रहा है, तो उसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना चाहिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यदि राह में कोई रुकावट न आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। यदि राह में कोई रुकावट न आए तो एक खास दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय कर लेता है। रुकावट की स्थिति में वह उतनी ही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। देखिए, आप कहीं जा रहे हैं रोड पे, अगर आपको सीधी रोड मिली है, आप गाड़ी जो तुरंत 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगा के ले जाएंगे, आपको कम समय लगेगा। लेकिन आपकी जो है, आप शहर से जा रहे हो, आपको ट्रैफिक मिल गया, तो ट्रैफिक में क्या होता है, आपकी जो स्पीड होती है, आपकी जो चाल होती है, वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या करता है कि रुकावट पैदा हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अगर मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, यानी कि एक घंटे में कितने मिनट रुकता है, ऐसे समझ लीजिए कि एक घंटे में से कितने मिनट ट्रैफिक में रुकना पड़ता है। तो इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है, इस हल में ये आप नोट कर लेना, यहाँ नीचे मैंने सूत्र लिखा हुआ है,
आपको रुकावट का अगर समय ज्ञात करना है तो चालों का अंतर जो दो चाल दी हैं और बिना रुकावट के जो चाल है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है? ऊपर दोनों चालों का अंतर और नीचे बिना रुकावट के जो चाल है। अब देखिए प्रति घंटा विश्राम अगर मुझे निकालना है यानी कि रुकावट की अवधि जो निकालनी है तो ऊपर दोनों का अंतर लिख लिया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों चाल का अंतर लिख लिया मैंने 20, ठीक है? और 20/80 ये लिखा तो ये आ गया 1/4। 1/4 कितना? घंटे। 1/4 घंटे को यदि मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है? कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये 15 मिनट कैसे आ गया, तो ये देखिए जब आप इसको, तो 1/4 आया, 1/4 क्या है, ये क्या है, घंटे हैं, घंटे को जब मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो 60 से गुणा करूँगा तो मेरे पास 15 मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक चलता है, ठीक है, तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे चलता है। इसके अंत में वह पाता है कि वह कुल दूरी का 3/5 दूरी तय कर चुका है। शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड भी है, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 3 घंटे तक चलता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे चलता है, ठीक है? 3 घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके अंत में हमें पता है कि कुल दूरी का 3/5 जो हिस्सा है वो दूरी तय कर चुका है। अब शेष दूरी जितनी है यानी कि 1 - 3/5 जो दूरी आपकी बच गई, 2/5 दूरी बच गई, ठीक है, उसको 4 घंटे में तय करना है उसको, तो औसत चाल बताइए क्या होगी। देखिए इसका हल देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक चली दूरी क्या होगी। तो आपको पता है कि दूरी का जो समय होता है वो जो सूत्र होता है दूरी का वो होता है चाल गुना समय। तो चाल कितनी है? 40 है, समय कितना है? 3 है, तो 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे में तय किया। फिर देखते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 4.5 घंटे में कितना चला वो। 60 × 4.5 तो 270 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे तक चला। कुल दूरी कितनी होगी? 120 + 270 यानी कि 390 किलोमीटर। अब जो है वो 390 किलोमीटर, अब ये 390 किलोमीटर कितनी है, ये जो टोटल दूरी है ना, जो कुल दूरी है उसका 3/5 है, क्योंकि 3 घंटा और 4.5 घंटा इस रफ्तार से चलने के बाद भी उसने पूरी दूरी तय नहीं की है, सिर्फ 3.5 बोलो, 3/5 दूरी तय की है, ठीक है? तो जो 390 किलोमीटर हमारे पास में कुल दूरी है आई है, ये 3/5 है कुल दूरी का। शेष 2/5 कैसे होगा? देखिए इसको निकालने का यहाँ से आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, अभी इसको मत देखिए, मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ किसका कैसे निकालते हैं। देखिए 3/5 दूरी तो जो है वो है 390, तो एक दूरी हो जाएगी आपकी 390 × 5/3, ठीक है? और अब 2/5 शेष 2/5 तो बचेगी। देखिए 1 - 3/5 करके जो मैंने आपको ऊपर निकाल कर बताया 2/5, शेष 2/5 दूरी बची है, ठीक है? 2/5 कितनी होगी? 390 × 5/3 × 2/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है? तो यही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 5 से 5 कट गया और 3 से इसको काट दोगे आप, 130, 130 × 2 260, 260 किलोमीटर आ गया। दूरी कितनी आ गई आपकी शेष? 260 किलोमीटर। तो अब जो 260 किलोमीटर की दूरी है इन्होंने पूछा है कि भाई 4 घंटे में कैसे तय करें उसको, चाल बताइए, चाल किस चाल से उसको चलना चाहिए। तो 260/4 कर दो आप, 64 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी एक निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे 40 मिनट कम समय लगा होता, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला होता तो उसे उसी दूरी को तय करने में 40 मिनट अधिक समय लगता है, ये प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। देखिए एक आदमी है उसको निश्चित दूरी से स्कूटर से तय करने में कितना, 3 घंटे, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे जितना समय अभी लगा है उसे 40 मिनट कम लगी होती, यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला होता तो उसे दूरी तय करने में 40 मिनट अधिक समय लगा होता, ठीक है? इतना तेज चलेगा तो इतना कम समय लगेगा, इतना धीमा चलेगा तो इतना ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि पहले केस में 40 मिनट कम समय लग रहा है, दूसरे केस में 40 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है।
तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है चाल निकालने को बोला जाता है, तो सिंपल सा ये सूत्र लगा दीजिए एकदम डायरेक्ट, 2 × चालों में वृद्धि गुणा कमी, और चालों में वृद्धि एवं कमी का अंतर नीचे। ठीक है, ये नोट कर लेना फॉर्मूला, अभी ऊपर इसी को यूज करूंगा मैं। ये देखिए 2 × चालों में वृद्धि कितनी, 3, कमी कितनी, 2, और नीचे दोनों का अंतर। ठीक है, तो 3 × 6 = 2, 12, और नीचे 1 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपकी चाल। अब दूरी अगर आपको निकालनी है तो दूरी कैसे निकालोगे, अब दूरी निकालने का सिंपल सा सूत्र क्या होता था हमारा, xy/x+y। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ 12 प्लस, इन्होंने बोला पहले केस में 3 किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा चलता है वो, दूसरे में कमी कर देता है इतनी। ठीक है, तो इनमें क्या है, दोनों को मैंने प्लस कर, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 10। तो ये और आगमन के समय के बीच का जो अंतर है वो आप लिख लोगे। ठीक है, आगमन के समय के बीच का अंतर क्या, एक बार 40 मिनट पहले पहुँच रहा है, एक बार 40 मिनट जो है बाद में पहुँच रहा है। 60 से डिवाइड इसलिए किया ताकि उसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर सकूँ मिनट में। ठीक है, तो ये सोल्व करोगे आप, 40 किलोमीटर आपकी दूरी भी आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक से पूरा फंडा, कोई कुछ इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लग रहा है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना इसका आपको। ठीक है, और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ऐसी डेली वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जीके की, मैथ की, रीजनिंग की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।